नमस्कार, लाइव न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर आप तक समय पर पहुंच सके। भारतीय रेलवे ने 21 दिन के लॉकडाउन के बाद 15 अप्रैल से यात्री ट्रेन चलाने के लिए कमर कस ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रेलवे ने ट्रेन सर्विसेज शुरू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। IRCTC की वेबसाइट खुली है जहां से यात्री 21 दिन का लॉकडाउन समाप्त होने पर 15 अप्रैल या उसके बाद का रेल टिकट एडवांस में बुक करा सकते हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रेलवे ने ट्रेन ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मैनेजर और अन्य कर्मचारियों को ट्रेन के टाइम टेबल भी भेज दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी 17 जोनल रेलवे से रद्द ट्रेन को चलाने के लिए तैयार रहने को कहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे बोर्ड ने आगामी 14 अप्रैल तक सभी ट्रेनों को बंद कर दिया था। इसी के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेन में चढ़ते समय कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पूरे इंतजाम हो रहे हैं। इसमें यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर अन्य जरूरी उपाय शामिल होंगे। इसके अलावा 21 दिन के लॉकडाउन के बाद स्टेशनों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ से निपटने के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। देश भर में यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक लागू है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जाते जाते सब्सक्राइब के इस लाल बटन को भी दबाते जाएं।